दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, आज मैं बात करने वाला हूं कि रेलवेज और अदर्स कंपटीशन एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा खुशखबरी आ गया है मेरे लिए। 2014 में एक वैकेंसी आई थी बिहार एसएससी की, जिसका एग्ज़ाम पीटी हुआ था फरवरी में, 15 फरवरी 2015 को। उसके बाद एक साल के बाद उसका मेंस हुआ था 27 मार्च को, फिर जा कर के उसका फिजिकल हुआ था अक्टूबर में। ये तीनों मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद से हम लोग 2 साल से वेट कर रहे थे, और अब जा कर के फाइनली बीएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 अप्रैल से, यानी कि 9th अप्रैल से सबका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक तो शायद आप मुझे इस वर्दी ये ड्रेस के बदले आप मुझे मेरी वर्दी, मतलब कि सब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखेंगे। तो दोस्तों, आज जो बात मेन मुद्दा था कि तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए कैसे पढ़ाई करनी है, तो सबसे जो मेन होता है ना, वो होता है रूटीन का, कि आप जो रूटीन बनाते हैं उसको आप फॉलो कर सकें। आप कैसा भी रूटीन बनाइए, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। रूटीन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको फॉलोअप करना उतना ही मुश्किल होता है। तो ऐसा रूटीन बनाइए जो कि इजी हो और आप उसको इजी से आसानी से फॉलोअप कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड रूटीन मत नहीं बनाना है, जैसे 5 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है वो करना है, ऐसे करके रूटीन नहीं बनाना है। सिंपल सा रूटीन बनाना है कि सुबह में उठना है, ये पढ़ाई करनी है, दोपहर में ये पढ़ना है और शाम को ये पढ़ना है। आगे बताता हूँ मैं वीडियो में कि कैसे कैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँगा, जो मैंने अपनी स्टडी किया था उसके बारे में मैं बात करूँगा अभी। धन्यवाद। मेरा जो बैकग्राउंड था वो पढ़ाई का नहीं था, मतलब मैं बचपन में स्पोर्ट्स में टैकोंडो से नेशनल खेला था, कबड्डी से यूनिवर्सिटीज़ खेला था, तो पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो शुरू शुरू में मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मैं 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाता गया, पहले 15 मिनट से शुरू किया, फिर 1 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके उसको बढ़ाता गया था। मेरा जो पढ़ने का रूटीन था, मैंने पहले तो वीडियो पे बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च मारे थे, बहुत सारे वीडियो देखा था, हाउ टू स्टडी, हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडी, ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस थे। कुछ अच्छे टिप्स लगे थे, कुछ थे जो फॉलोअप भी करना बहुत मुश्किल था। तो मेरा जो रूटीन था वो सिंपल सा था। सुबह में मैं साइंस वीक था, तो मॉर्निंग में मैं साइंस का अपना सब्जेक्ट बना कर रखा था। जैसे फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो पहले फिजिक्स ख़त्म करता था, तो मतलब एक अगर लूसेंट का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मतलब 15 से 20 दिन में तो फिजिक्स ख़त्म हो जाता था। उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे करके सुबह का टाइम फिक्स कर दिया था साइंस का। उसके बाद स्पीडी का बुक्स थोड़ा सा पढ़ लेता था, फिर कोई सेट बना लेता था, फिर मैथ्स पढ़ता था। सेट का जो सेट्स होते थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सेट, वो दोपहर का टाइम था, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आती थी, तो वो मैंने दोपहर को फिक्स करके रखा था। और शाम को ज्योग्राफी पढ़ता था, फिर थोड़ा सा एक पे ज्योग्राफी पढ़ता था लूसेंट का, एक पे सिविक्स का पढ़ता था, और धीरे करके उसको आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर थोड़ा सा विविध पढ़ लेता था, थोड़ा सा फिर मैथ बना लेता था, ऐसे करके सिंपल सा रूटीन था मेरा कि, और इसको ही मैं फॉलोअप कर रहा था। उसके एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा बुक पढ़ता नहीं था। सेट्स के लिए रेलवेज के कुछ सेट्स उठा के रखे थे मैंने, फिर बिहार एसएससी का तो नहीं आया था बुक उस समय मार्केट में, एसएससी सीजीएल का बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा बुक है वो, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसका आप सेट मारिएगा, उसका जो मैथ्स होते हैं काफ़ी लड़ते हैं एग्जामिनेशन, मैं उसका सेट बनाता था सॉरी मैं उसका सेट बनाता था। आपके लिए भी मेरा एक्सपीरियंस यही है, जो मैं पढ़ा वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ज़्यादा दिमाग पे बोझ लेके नहीं पढ़ना है, साथ में थोड़ा सा गाना खाना भी है और गाना भी सुनिए और साथ में पढ़ाई कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो फिर वो दिमाग हैंग नहीं करता है। और हाँ, पढ़ने के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए उस समय जब आप पढ़ाई करते हैं, तो मोबाइल को मैं क्या करता था, स्विच ऑफ करके गोदरेज में रखता था, वो भी रूम में नहीं, दूसरे रूम में जाकर मैं गोदरेज में रखता था, क्योंकि सामने में रहेगा तो भी मैं देखूंगा, उसके बाद ब्राइट डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए, मोबाइल को दूर रखिए। यूट्यूब पे पढ़ाई करना है तो उसके लिए ऑफ टाइम में पढ़िए, जो आपका ऑन टाइम है। ऑन टाइम मतलब जो आपका मेन टाइम होता है स्टडी करने का, उसमें उस समय यूट्यूब से पढ़ाई मत कीजिए। यूट्यूब से पढ़ाई करने का जो मेन जो समय होता है वो ऑफ टाइम का होता है, जैसे कि आप शाम को या 3 बजे या 2 बजे, जब समय आपको, जब को आपको नींद आती है उस समय आप यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए।
और जो मेन टाइम होता है जैसे मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम, उस समय आप अपना लूसेंट से पढ़िए, सबसे बेस्ट बुक है, मैं भी उसी से पढ़ता था। और काफ़ी और ज़्यादा मार्केट में बुक्स के पीछे तो मत भागिए, क्योंकि मार्केट में जो भी नई वैकेंसी आती है उसके बुक्स छप जाते हैं और हम लोग कोई भी बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बस यही सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा और तो नहीं है कुछ, और बस जितना इसी में पढ़ी उतना बेटर है। आज पढ़े और आज ही भूल गए तो फिर हो जाए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी सेट मारिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना जनरली वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो सेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर डे एक सेट लगाइए, स्पीड भी बढ़ेगा। रीजनिंग के लिए जो है वो सबसे अच्छा बुक जो है SSC का ही बुक है, तो मैं उसी से पढ़ता था रीजनिंग के लिए, अलग से मैंने बुक्स नहीं रखी थी। और लूसेंट्स और RSAVAL का बुक था, मैथ्स के लिए RSAVAL का बुक था, ये सब बेस्ट बुक है। और बाकी मार्केट में बहुत सारे बुक है, लेकिन कोई भी बुक लीजिए, सारे बुक अच्छे ही होते हैं, लेकिन उस बुक को पढ़िए, ऐसा नहीं कि उस बुक को लिए फिर नई मार्केट में आगे फिर नई बुक पढ़िए, सब में एक ही मटेरियल होता है, सब में एक ही चीज़ होता है, हाँ ट्रिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका मैथ्स का बेस मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आपको RSAVAL से प्रैक्टिस कीजिए। जब बेस मजबूत होगा तभी ट्रिक काम करेगा, अगर बेस मजबूत नहीं है तो ट्रिक काम नहीं करेगा, आप भूल जाइएगा एग्जाम में, रट्टा नहीं मारना है मैथ्स को, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। मैथ्स के लिए भी अच्छे अच्छे बुक्स है, लेकिन उसका मतलब उसका ट्रिक्स तो काम करेगा नहीं, मैथ्स के लिए आपको लॉन्ग ही पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज और आपका रेशियो प्रोपोर्शंस, तो वो सब ट्रिक्स उसका काम कर जाता है और याद भी रहता है, तो वो सब ट्रिक्स से बनाइए, बाकी बेस मजबूत होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं रिपीट।